इस बीच एक और बड़ी खबर, वो भी बिहार की सियासत से ही। चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। पीएम मोदी पर पूरी आस्था है, ये बात कही चिराग पासवान ने। कम सीट पाने वाली जेडीयू का सीएम क्यों, ये सवाल उठाया चिराग पासवान ने। बीजेपी का फैसला मंजूर होगा, जो भी बीजेपी फैसला करेगी वो मंजूर होगा। मेरा सपना था कि बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस चुनाव में ये सपना साकार नहीं हो पाया। नीतीश के पास बिहार के विकास का विजन नहीं है, ये बात कही है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान आपको याद होगा, लगातार चुनाव के बीच में वो हमलावर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। पहला सवाल चिराग आपसे ही पूछूंगा, नीतीश को तो आपने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। बिल्कुल, लक्ष्य भी था, मैं शुरू से मैं इस बात को मैं कह रहा था। देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री एक सैचुरेशन में हैं, उनके पास विजन नहीं है बिहार के विकास को लेकर। और मैं नहीं मानता कि बिहार में नली गली बनाने से आप बिहार का विकास कर सकते हैं। मैंने मेहनत की थी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर, पूरा विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया था और उसी के आधार पर। और इसीलिए सबसे पहले मैंने पापा को ही समर्पित किया, क्योंकि पापा के साथ हॉस्पिटल में मुझे याद है घंटों तक बैठ के हम लोगों ने इस पर रीवर्क किया। बहुत सारी चीज़ें पापा ने इसमें ऐड करवाई थी, डिलीट करवाई थी बहुत चीज़ें, और 4 लाख बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने इसको तैयार किया था। और इसी को लेकर मैं जनता के बीच गया भी था, और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से जनता का मुझे प्यार मिला, मत प्रतिशत में आप देखें, हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोग सिर्फ सीटों को देखते हैं और उसी पर सोचते हैं हार जीत का। चिराग, लेकिन सवाल एक और उत्पन्न होता है कि नीतीश कुमार को झटका लगा है, अब वो पीछे वाले हो गए हैं, बड़े भाई तो भारतीय जनता पार्टी वाले हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आवाज़ उठने लगी कि भाई, जो हम बड़े भाई हैं, हम सबसे ज़्यादा, हमारी सीटें हैं 74-73 सीटें आसपास हैं, तो क्यों ना हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बने। क्या आप भी सहमत हैं इस बात को? देखिए, खैर, मेरी सहमति या असहमति की अब कोई बात ही नहीं, क्योंकि ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ। हाँ, अगर मेरी इतनी सीटें आती हैं और अगर मैं किसी निर्णायक पोजीशन में होता, ऐसी जगह पे होता जहाँ मेरी बातें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं डिसीजन को, तो मैं ज़रूर अपनी बातों को रखता। बट आज की तारीख में मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आपस में गठबंधन में है और पूर्ण बहुमत दोनों दल को मिला है, भाजपा बड़ी पार्टी है, और मुझे लगता है मोरल ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनने का क्या इतना भी कम से कम उनके अंदर जमीर नहीं है कि भाई, जब मेरी सीटें इतनी कम है तो मुख्यमंत्री मुझे नहीं बने रहना चाहिए, बीजेपी को दे दिए? ये चिंता उनकी होनी चाहिए, पर अब इसमें मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरी अब वो उस जगह पे मैं नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरी वजह से सरकार बन रही होती तो मैं ज़रूर, मेरी एकमात्र कंडीशन यही होती कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। और मेरा सपना था, मैं चाहता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं मुख्यमंत्री बनाऊँ, उसके लिए मैंने जी जान से मैंने मेहनत की। और जिस तरीके से महाराष्ट्र का भी एक उदाहरण सामने रहा है कि वहाँ पर अगर बड़ी पार्टी अगर आप हैं और मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए, उस वजह से अगर गठबंधन दल अगर अलग हुए, तो यहाँ पर मेरी समझ के है कि क्यों, कम सीटें भी आएंगी तब भी मुख्यमंत्री वही होंगे, कम सीटें आएंगी तब भी मुख्यमंत्री होंगे, मेरी समझ ये बड़े क्यों। बट एट द एंड ऑफ द डे अब ये डिसीजन भाजपा को लेना। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने अपने सभी नए विधायकों की बैठक बुला ली है, लालू के घर पर ही आज ये बैठक होने वाली है। आरजेडी के विधायकों की यह बैठक होगी, बैठक में कांग्रेस वाम दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे, और माना यह जा रहा है कि आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, कोई एक बड़ा फैसला कि आखिरकार आगे अब सियासत में किस तरीके से बढ़ा जाएगा, यानी एक तरीके से गठबंधन की यह बैठक है। तेजस्वी यादव खुद, उन्होंने आरजेडी के जो नए विधायक चुने गए हैं उनको बुलाया है अपने आवास पर।